अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फ्रेंड, डिजिटल फैसिलिटी चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड, तमाम परदेसी भाइयों के लिए अच्छी खबर है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडियन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट जो है वो काफ़ी अरसे से बैन थी। अब सऊदी अरब की जानब से ये फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, अल जदीद न्यूज़ की जानब से इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट किया गया है। तो ये जो न्यूज़ है ये फेक नहीं है, ये न्यूज़ जो है ओरिजिनल है। इसके अलावा मैं आपको पाकिस्तानी और इंडियन एम्बेसी का जो ट्विटर अकाउंट है उनके भी आपको ट्वीट चेक करवा देता हूँ कि उनके ऊपर भी ये ट्वीट किया गया है, लेकिन इसकी जो तफसील है वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा आपके साथ। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर बिलाल अकबर, इससे पूछा गया है कि वाकई ही फ़्लाइट जो है वो ओपन हो गई है, कन्फर्म है? तो इसके जवाब में इसने बोला यस दिस इज़ ट्रू। तो फ्रेंड इसी तरह इंडियन एम्बेसी ने भी ये ट्वीट किया है कि हमें आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि सऊदी अथॉरिटी ने इंडियन नेशनल के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको फुली वैक्सीनेट, यानी कि आपके जो दो डोज हैं, दो खुराक हैं वैक्सीन की, वो लगी होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ जो मज़ीद शरायत हैं वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आपके दो डोज़ यानी कि दो खुराक वैक्सीन का लगा हुआ तो आपको किसी भी थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं, आप सऊदीया डायरेक्ट आ सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके जो करीबी ट्रैवल एजेंसी है आप उनसे रब्ता करके अपना टिकट जो है कन्फर्म कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। फ्रेंड, लास्ट में रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।